बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और एक सवाल बहुत कॉमन है और वो तकरीबन हर उस वीडियो में आता है कि जब हम कनाडा के प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं, और वो ये है कि कैसे पता चलेगा कि मैं कनाडा के लिए किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो ये सवाल जो है जब आप करते हैं तो हम इसका जवाब नॉर्मली हर वीडियो में दे चुके होते हैं, लेकिन जो शायद ये मेरा ख्याल है कि या तो हम उस वीडियो को प्रॉपर देख नहीं रहे या देख ही नहीं रहे, और या फिर सूरत हाल पैदा हो रही कि देख तो लेते हैं लेकिन अपने ऊपर उसको नहीं लेना चाहते। और नॉर्मली यही रिक्वेस्ट आती है कि बात यह है कि सर हम आपको पासपोर्ट भेज देते हैं, आप खुद देख लें इसको क्या सूरत हाल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये सवाल, अगर ये भी आप कहते हैं कि भेज देंगे पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट भेज देंगे, आप खुद चेक कर लें, तो प्रोसेस क्या ये अवेलेबल भी है कि नहीं है। तो उसके लिए याद रखिएगा दो तरीके हैं कि या तो ये काम आप अपने लिए खुद करें। ये वीडियो एक्सक्लूसिव इसलिए बना रहा हूं ताकि आप ये कभी भी कर कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट के लिए या मैंने बात की थी, क्या जवाब आया, क्या सवाल आया, तो इसलिए मैं एक्सक्लूसिव इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि आप किस तरह काम कर सकते हैं। ये वाला ये हम हर वीडियो में करते हैं मगर सेगमेंट होता है, आज ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप कहते हैं कि भाई मैं, मुझे नहीं आता ये काम, आप करके दें। तो ये दो तरीके हैं, खुद कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं, और इसमें फर्क क्या होता है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। सबसे पहले खुद करने का तरीका ये है कि बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रोसेस बता रहा हूं, प्रोसेस आसान है, करना उसको मुश्किल नहीं कह सकते, लेंदी जरूर है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, टाइम लगता है, क्योंकि जब भी आप इसे बैठोगे तो मेहनत तो लगेगी। देखो दो बातें होती हैं, या तो आप मेहनत अपने लिए कर लें, अगर मेहनत नहीं कर सकते तो आप किसी से मेहनत करवा लें। तो अगर आप किसी के ऊपर मेहनत डालोगे तो वो सर्विसेज में काउंट होता है, और अगर कोई सर्विस कंपनी होगी तो दे विल चार्ज फॉर देयर सर्विसेज, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कौन करके देता है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई सर्विस कंपनी हो और वो सर्विस भी फ्री देती हो, कहीं और से कमाती हो। तो इसके लिए करना ये होगा कि आपने क्या करना है, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट टेबल पर रखने हैं। मैं छुपा कुछ नहीं रहा हूं, सब ओपनली बता रहा हूं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट टेबल पर रखने हैं। तो अगर आप कहते हैं साथ मेरी वाइफ भी है तो उसके भी रखने हैं, अगर आप कहते हैं बच्चे हैं तो उसके भी रखने हैं, ए टू जी रख दिए। अब आपने खोलना है कंप्यूटर में canada.ca, इसके अलावा कुछ नहीं खोलना है, canada.ca, कनाडा नाम है मुल्क का और .ca लगा देना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। canada.ca खोलेंगे तो वहां पर आपने उसको कहना है कि मुझे अपना असेसमेंट करना है। असेसमेंट में क्लिक करोगे, आपका असेसमेंट शुरू हो जाएगा, अकेले हो अकेले का कर लो, फैमिली है तो फैमिली का कर लो। अब आपका हो गया असेसमेंट कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, फॉर्म है, सिस्टम है, कैलकुलेशन है, वो सब हो रही है। आखिरी में आपका आ जाएगा रिजल्ट, उस रिजल्ट को आप मान लीजिए CRS स्कोर आ गया आपका, CRS स्कोर कितना है अपने पास नोट कर लीजिए। आप कहते हैं 200 है, आप कहते हैं 300 है, आप कहते हैं 400 है, 500 है, 600 है, वट एवर है, आ गया कोई स्कोर, कुछ तो आएगा ना। अब जब वो आ गया तो उसके बाद आप देखें कि अब इसी साइट पे, अब कहीं जाना नहीं है आपने, कोई आपको मैं यहां मानी भेज रहा, canada.ca के अंदर ही प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेस एंट्रीज भी दी हुई हैं, वो पूरा का पूरा डिटेल अवेलेबल है, और PNP प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम भी दिए हुए हैं, ठीक है। वो तमाम चीजें भी इसी पोर्टल से आपको मिल जाएंगी, ये गवर्नमेंट का है, कोई फ्रॉड इसमें है नहीं। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने स्कोर को लेकर प्रोग्राम चेक करने हैं कि किस प्रोग्राम को अंदर कितने स्कोर के अंदर हम कर सकते हैं, क्या मैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, तो वहां लिखा हुआ होगा, पढ़ लो, पढ़ना ही खाली, मतलब कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ पढ़ना है। या अगर नहीं हूं तो फिर मैं किसी PNP प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूं, या अगर मैं वहां नहीं हूं तो फिर मैं क्या चीज उसमें डालूं। क्योंकि फॉर एग्जांपल, मैं जरूरी नहीं कि मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि आप IELTS करके बैठे, IELTS के भी स्कोर होते हैं, तो आपने कहा ये तो मैं फंस गया, IELTS तो मैंने किया नहीं है, और आप मुझे कह रहे हैं स्कोर चेक करो खुद से। तो अगर आपने नहीं IELTS किया तो अभी मत करें, अभी आप ये कर लें कि आप IELTS को इमेजिन कर लें कि अगर मेरे 5 बैंड्स हों तो मेरा स्कोर क्या आएगा। ये बात समझ गए, आपके पैसे वहां से बच जाते हैं, क्योंकि अगर स्कोर ही कम आ रहा है IELTS के साथ भी, तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, वो भी आपको मैं आखिरी में हिंट दे दूंगा ताकि आप उसको भी समझ लें, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है एक्चुअली, तो मुझे जल्दी बोलना पड़ेगा। अब जब आपका किसी भी PNP प्रोग्राम के आसपास स्कोर आ जाए तो आप उस PNP प्रोग्राम को सामने तो रखेंगे, लेकिन फेडरल के आपने डॉक्यूमेंट निकालने हैं, फेडरल आपने केस बनाना है अपना, आपकी जब फेडरल केस बन जाए, फाइल बन जाए, तो आप उस PNP के अंदर जहां आप करीब करीब थे वहां अपना आप केस पुट कर दें, केस पुट कर दें। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी फीस अलग भरनी पड़ेगी, वो मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूं, मैंने बहुत, आप कनाडा की वीडियो खोलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और मैंने आपको अमाउंट तक बताई हुई, सब कुछ बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, रिसेंट वीडियो है, पुरानी नहीं है, एक महीने के अंदर आई हुई वीडियो है।
अब क्या होता है कि आपने वो फीस अलग भरनी है, पीएनबी की फीस अलग भरनी है, और ये आपने अपने हाथ से भरनी है, बैंक के जरिए भरनी है, और जो कानून उन्होंने बताए हैं उसको आपने फॉलो करना है, ये तमाम चीजें आपने करनी है। अब जब आप ये काम आप खुद कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी को आप पेमेंट क्यों करोगे, सवाल ही पता नहीं होता कि काम आप करें और उसको आप कनाडा के साथ आप अटैच हो जाएं, तो फिर आपको पेमेंट करने की ना जरूरत है, ना कोई आपसे मांग सकता है, हमें क्या पता आप काम कर रहे हो। तो ये है तरीका खुद करने का। अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि जी मुझे असेसमेंट करना नहीं आता, तो असेसमेंट अब आप हमें करके दें। मैं आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी बता रहा हूँ, 5-star एविएशन की पॉलिसी बता रहा हूँ। आपने असेसमेंट के लिए कहा कि जी अगर मैं असेसमेंट आपसे कराऊं तो क्या होगा, तो हमारी कंपनी भी यही करेगी कि उसको पूरा चेक करेगी, स्कोर सीआरएस स्कोर चेक करेगी, तमाम चीज़ें करेगी, उसके बाद वो उसको 80 प्रोग्राम से गुजारेगी, और गुजारने के बाद देखेगी कि कौन से पीएनबी प्रोग्राम मेरे फॉल कर रहा है, और उसके बाद आपको क्या करेगी कि आपको एडवाइस करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट में बहरहाल ये कमी है। अब वो जो बताएगी उसे हम काउंसलिंग कहते हैं, उसे हम काउंसलिंग कहते हैं, और वो हमारा एक सेशन होता है बाकायदा, ऑनलाइन भी होता है और फिजिकल भी होता है, डिपेंड करता है कि हम अवेलेबल कहां पर हैं और आप अवेलेबल कहां पर हैं। तो ऑनलाइन भी होता है, वीडियो कॉल से भी होता है, तमाम चीजें होता है, उसके अंदर आपको पूरी असिस्टेंस मिल जाती है कि जनाबे वाला ये आपका स्कोर है, ये आपका प्रोग्राम है, और अगर आप इस प्रोग्राम के करीब पहुंच रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आप एलिजिबल हैं, तो आप अपना केस पुट करें, आपको यह बताया जाएगा, आप कहेंगे ठीक है, और या वो कहा जाएगा कि आप खुद भी कर सकते हैं, या आपसे कहा जाएगा कि आपके स्कोर के अंदर 50 पॉइंट कम है, आप फला काम कर लें, फला काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, आपको एडवाइस मिल जाती काउंसलिंग के अंदर। आप कहते हैं ठीक है, यहां तक जो आपके साथ कंपनी अपनी असेसमेंट करेगी, आपको 80 प्रोग्राम उसे गुजारेगी, आपका फैमिली का केस देखेगी और आपको एडवाइस करेगी और प्राइवेट काउंसलिंग करेगी, इस पूरे प्रोसेस की फीस 5,000 रुपए है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये सर्विस देते हैं एंड सर्विस के वो चार्ज करते हैं, क्योंकि वो सर्विस कंपनी है, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस के वो 5,000 लेगी और यहां तक के ही हैं वो पैसे। अब इसके अंदर आप ये ना सोचें कि जो इमिग्रेशन मेरी हो रही है 5,000 के अंदर मुझे कनाडा ये पहुंचाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काउंसलिंग हो गई तो केस यहां पे हो गया क्लोज। अब आप बोलते हैं कि मुझे केस भी आपसे करवाना है, तो ये एक और मैटर शुरू हो जाता है, इसके अंदर हमें ये मालूम करना होता है कि कौन से पीएनपी में फॉल कर रहे हैं, उसकी फीस कितनी है, और तमाम चीजें, वो कितना आसान कितना मुश्किल है, कितना लेंदी कितना शॉर्ट है, या वो केस है क्या, वो जॉब प्लस पीएनपी है, वो सिर्फ पीएनपी है, या वो एक्सप्रेस एंट्री है, या वो फैमिली का केस है, या वो अकेले बंदे का केस है, एंड सो ऑन। क्योंकि अगर आपको जॉब का ऑफर मिल रही होती है पीएनपी के अंदर, बाजू का बाद में मिलती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कंपनी को बोलते हैं कि मैं फेडरल एंट्री का अंदर आ चुका हूं, मैं पीएनपी के अंदर आ चुका हूं, अब मुझे आपसे जॉब चाहिए, तो वो जब देखते हैं कि बंदा हमारे पास आ रहा है तो वो उसको लेटर ऑफ इंटरेस्ट भेजते हैं और पीएनपी वाले भेजते हैं, और उसके ऊपर उनको वो जॉब लेटर भेज देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो 600 पॉइंट और आ जाते हैं, आप एक्सप्रेस एंट्री में जल्दी चले जाते हैं, लेकिन ये लेंदी बात है, अब इसको हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने दो तरीकों से काम करना है, आपने आपको मैंने पूरा बता दिया, इसी वीडियो को भी अगर आप देख लेंगे तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, खुद से नहीं कर सकते तो 5,000 रुपए की फीस हमारी कंपनी की है जो आपसे चार्ज करेगी, इसके अंदर कोई और चीज शामिल नहीं है, कोई भी चीज शामिल नहीं है। क्योंकि बाज लोग जो है वो पहले ही मैंने सुन चुका हूं कि 5,000 में टिकट भी है, क्या वीजा की फीस भी है, कई तमाम चीजें, अब पता नहीं मजाक करते हैं या वो ऐसे ही एक होता है ना कि चलो यार एक हल्का सा कर लिया, तो वी नेवर माइंड, ऐसा आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग सीरियस हैं, क्योंकि जो इसमें आएगा तो वो सीरियस ही कहलाएगा, खुद करेगा या हमसे करवाएगा तो सीरियस कहलाएगा, तो वो ऐसी बात नहीं करता कि इसके अंदर टिकट भी देंगे आप लोग कनाडा का या तमाम, ऐसा नहीं करते वो लोग, सीरियस लोगों की बात ही कुछ और होती है। तो ये तो आपने नोट कर लिया, अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से काम आप कर सकते हैं कि कनाडा जाने के लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, अगर हूं तो मैं कैसे एलिजिबल हूं, और अगर नहीं हूं तो मुझे क्या और करना पड़ेगा कि मैं एलिजिबल हो जाऊं। क्योंकि ये हमारा जवाब नहीं होता कि आप नहीं हैं या हैं, ये जवाब नहीं होता, बल्कि अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो जाएं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे, पूछ रहे थे आपको, मैं उसमें आखिरी में 2 मिनट ले लेता हूँ, वो ये है कि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग की बेस पर बाहर जाना चाहते हैं, अपने आप को इमिग्रेट करवाना चाहते हैं यूरोप के अंदर कहीं पर भी, तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ही वो करें। मतलब मैंने आपको कहा था कि अगर $750 आप कमाते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप कहीं पर भी अपना जैसे पुर्तगाल जा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी हो या आपका बिजनेस हो, मैंने कहा था ऑनलाइन अर्निंग हो, और ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, यहां से आप सीख करके ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, वो पैसा जो आएगा वो काउंट होगा,
ये जो आप सैलरी ले रहे हैं या आप बिजनेस ले रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिर भी कमेंट आ गया था कि मेरी सैलरी जो है वो $1,000 के बराबर है। अगर $1,000 के बराबर है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, गूगल एडसेंस पे काम करते हैं या ऑनलाइन अर्निंग आती है और आप प्रूफ कर सकते हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप गारंटेड यूरोप के अंदर अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। और जो लोग अपना एयर रेटिंग एंड टूरिज्म कोर्स करना चाहते हैं, जो लोग एयर रेटिंग एंड टूरिज्म में काम करना चाहते हैं, वीजा असिस्टेंट में काम करना चाहते हैं फुल टाइम पार्ट टाइम, तो उन लोगों के लिए भी ये जो आप कोर्स देख रहे हैं ये अवेलेबल है। इसके अंदर भी इस टाइम 20% हमारे लिए डिस्काउंट अवेलेबल है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, लोगों को टूरिज्म पर भेजना चाहते हैं, साथ में खुद भी जाना चाहते हैं या वीजा असेस करा के देना चाहते हैं, तो वो तमाम आप पाकिस्तान भर में कहीं पर भी आप हों तो आप कर सकते हैं। उसके लिए ऑफिस बना के देने की बात भी कर सकते हैं हमारे ऑफिस से आप, वो भी लॉयर्स वगैरह मौजूद हैं, वो भी करके देंगे आपको। और ऑफिस बनाने के बाद भी जो असिस्टेंस होती है वो भी आपको मिल सकती है। अगर असिस्टेंस करनी हो या कोई पार्टनरशिप प्रोग्राम करना हो तो वो बात की बात है, वो भी आप कर सकते हैं, अवेलेबल है, अलाउ है, आप कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।